आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बुलंदशहर में यूपी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने राहुल पर कसा तंज। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने राहुल व पप्पू को बताया एक दूसरे का पर्यायवाची। पिछले 15 साल से किसी ने अपने बच्चे का नाम राहुल नहीं रखा नंदी। नंदी ने सपा और बसपा को बताया चोर चोर मोतेरे भाई। 2014 से बड़ी बहुमत 2019 में मिली और 2024 में मिलेगी उससे बड़ी बहुत नंदी। अखिलेश यादव को लेकर बोले नंद गोपाल नंदी, चाचा को धक्का देकर सपा अध्यक्ष बने अखिलेश यादव नंदी। उनके शासन में गुंडा राज था, हमारे में विकास हो रहा है नंदी। विकास को लेकर नंदी ने किए बड़े दावे, अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा रिपोर्ट हमारे प्रदेश में होंगे नंदी। खुर्जा विधायक की सांस के निधन के बाद शोक, संतपद परिवार को सांत्वना देने खुर्जा पहुंचे थे नंद गोपाल नंदी। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। खुर्जा आए किस तरह का? देखिए, हमारी माननीय विधायक की माता जी का देहांत हो गया था, उस समय ही मुझे आना चाहिए था पर कुछ पार्टी की व्यस्तताओं की वजह से हम नहीं आ पाए थे। हमने अपने कार्यालय को लिखा रखा था कि जब भी मौका लगे या हम इस साइड आएँ तो आएंगे ज़रूर घर, तो उसी में मैं आया था और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और अभी अभी नवनिर्वाचित चेयरमैन और 19 पार्षद जो यहाँ से जीते वो सब लोग भी आए। तो अच्छा होता है कि भाई धीरे धीरे जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता हम लोगों के दुख या दुखी रहने से, धीरे धीरे भूलता है उन चीज़ों को व्यक्ति। वो यहाँ भी हैं, हम लोगों को आशीर्वाद दें और हमारे जो माननीय विधायक हैं जो सभी लोगों को जोड़ करके सभी लोगों के लिए और इस चुनाव में भी उन्होंने बहुत मेहनत की है, पूरी पार्टी ने जम करके मेहनत की है और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर, 2024 का चुनाव नज़दीकी है और उत्तर प्रदेश सरकार पर विपक्ष बार बार ताने कस रहा है कि शिक्षा का भी बेड़ा गर्क कर दिया, क्या कहेंगे सर? देखिए, विपक्ष में आप किसकी बात करेंगे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के? मैं मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ एक तरफ से आप। कांग्रेस ने लंबे समय तक यहाँ राज किया और उसका नतीजा आप सब ने और इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता ने देखा। आज कांग्रेस समाप्त है, कोई पूछने वाला नहीं। और जो उनके नेता है राहुल गांधी और पप्पू दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। 15 साल का रिकॉर्ड उठा के 20 साल का देखिएगा तो किसी ने अपने लड़के का नाम राहुल नहीं रखा, क्योंकि राहुल कहते ही पप्पू और बेवकूफ़ी की बात होती। इसी तरह से अखिलेश यादव की आप बात करेंगे, जिसने अपने बाप को धक्का दे करके स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, अपने चाचा को ऐसे भरे मन से धक्का दिया, इसने अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को बेइज्जत करने का काम किया, वो प्रदेश कैसे चलाएगा? मैंडेट मिला था मुलायम सिंह जी को, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और पूरे 5 साल वो वीडियो गेम और टैबलेट और लैपटॉप पर खेलते हुए समय बिता दिए। आज वो बाहर निकलने की बात करते हैं, नैमिसारण गए हैं, ज़रूर उनको इस बात का आभास होगा कि किस तरह से गुंडागर्दी थी उनकी सरकार में और किस तरह से अब नैमिसारण का विकास हुआ है, अयोध्या का विकास हुआ है, वाराणसी में काशी कॉरिडोर बना है, विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनकर के तैयार हो रहा है, मथुरा में तेज़ी से विकास हो रहा है। अगर आप हाईवे पर जाएंगे तो बगल में आपको सड़क बनते हुए दिखाई पड़ेगी। पूरे देश का जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है अभी 37.7% है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 12 जुलाई 2022 को जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया तो 37.7% है। अभी हम गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो आने वाले कुंभ में मेरठ से लोग गंगा स्नान करने के लिए 5 घंटे 6 घंटे में पहुँचेंगे। 6 और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 7 एक्सप्रेसवे के साथ देश का कुल एक्सप्रेसवे का 50% ज़्यादा। दादाजी आपका हो गया फोटो? ना 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 अरे भैया सामने बचाओ।
कुंभ में मेरठ से लोग गंगा स्नान करने के लिए 5 घंटे 6 घंटे में पहुंचेंगे। 6 और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 7 एक्सप्रेसवे के साथ देश का कुल एक्सप्रेसवे का 50% ज़्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। जब हम सरकार में आए थे 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, 12 पर तेज़ी से काम हो रहा है। 21 एयरपोर्ट के साथ देश का पहला राज्य होगा जहाँ पर 21 एयरपोर्ट, 16 डोमेस्टिक, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। हम चाहे सड़क रेल नेटवर्क की बात करें तो 15,000 किलोमीटर की हमारे पास रेल नेटवर्क है। 25 करोड़ की आबादी तो हमारी अपनी है, 75 ज़िले हमारे अपने हैं। अगर हम बात करें हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ऐसे 7 स्टेट से हम जुड़े हुए हैं, उनके ज़िले हम पर आधारित हैं। उनको बेटी की शादी करना होता है, गहना लेना है तो यहाँ आते हैं। अगर उनको होटल बुक करना है तो यहाँ शादी विवाह के लिए आते हैं। कोई मकान बनाना है, कंस्ट्रक्शन, तो हमारे यहाँ। तो हमारी जो आबादी और आसपास के 7 स्टेट के जो ज़िले जुड़े हुए हैं हम पर आश्रित है, नेपाल बॉर्डर के कई ज़िले हमारे गोरखपुर पर आश्रित हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो एक 25-30 करोड़ की स्ट्रेंथ है, हमारा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, इसलिए देश दुनिया खींची आ रही है। मैं कह सकता हूँ पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन है तो इंडिया है, और इंडिया में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश बनकर के उभरा है। निश्चित रूप से आज लोग कहते थे एक बार सपा एक बार बसपा, एक बार सपा एक बार बसपा, ये दोनों एक हो जाएंगे तो क्या होगा। जनता ने चोर चोर मौसेरे भाई को नकार दिया 2019 में, और ज़्यादा बहुमत से प्रधानमंत्री बन करके आए। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2024 में और प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे, क्योंकि जनता ने इन सब को नकार दिया। 2014 के बाद से देश ने एक अंगड़ाई ली है, जो राजनीतिक जागरूकता आई है, प्रचंड बहुमत, पूरा बहुमत देने का काम कर रही है जनता, और जनता जानती है कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है। इन 9 सालों में पूरी दुनिया ने भारत की चमक और धमक को महसूस किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तीसरी बार प्रधानमंत्री।